हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? डियर आप, हो सकता है कि आप मुझे बहुत दिनों से सुन रहे हो सकता है कि आप मुझे पहली बार सुन रहे हो। दोस्तों, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रियंका है और मैं आपसे आपके दिल में दबे हुए जज्बातों की बात करती हूं अपने पॉडकास्ट दिल है छोटा सा में। एक्चुअली मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ, आप में से कुछ लोगों की तरह। मुझे ये अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ है। दूसरों का दर्द बहुत जल्दी महसूस कर लेती हूँ मैं। आज तक जो भी बातें मैंने अपने पॉडकास्ट के जरिए आपसे की हैं, वो अपने जज्बातों और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर की है। मुझे नहीं पता दोस्तों कि मेरा ये पॉडकास्ट आप आज ही सुन रहे हो या महीनों सालों बाद सुनोगे, लेकिन मुझे लगा कि आज बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा, सच बताना, बचपन में जो हमें रियल हीरोज के बारे में किताबों में दादा दादी नाना नानी की कहानियों में बताया जाता है, बड़े होकर हम में से कितने लोग उनके त्याग और बलिदान को याद रखते हैं? अरे वो तो छोड़िए, कभी आपने अपने अगल बगल ध्यान दिया है कि कहीं आपका रियल हीरो आपके आसपास ही तो नहीं है? एक्चुअली दोस्तों, गलती आपकी है ही नहीं। आप किसी से भी पूछिए कि आपका रियल हीरो कौन है, तो वो फिल्म स्टार का नाम ही बताएगा। जो हमें फिल्में दिखाई गई हैं, कहीं ना कहीं उनमें ही कमियां रही हैं, ये मेरा मानना है। आपकी राय अलग हो सकती है। दोस्तों, अब तो थिएटर की जगह मल्टीप्लेक्स ने ले ली है। जरा गौर से सोचिएगा कि ऐसी बहुत सी फिल्में आजकल आने लगी हैं जो रियल लाइफ बेस्ड होती हैं। या जंग में शहीद हमारे परिवारों की, हमारे वीरों की कहानी होती है। हम चांद तक तो पहुंच गए, पर सच बताना, क्या ऐसी फिल्में लगातार हाउसफुल रही हैं कभी? जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारी फिल्मों ने शायद हमें हमारे रियल हीरोज से मिलवाया ही नहीं। हमारे दिमाग पर ऐसा कब्जा किया है इन पिक्चरों ने कि बचपन में पढ़ाई गई सारी रियल हीरोज की बातें हमारे दिमाग से चुटकी में ही डिलीट हो गई। अच्छा, सच बताना, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो चंद्रयान के टीम के साइंटिस्ट के नाम भी जानते हैं? शायद कुछ ही लोग होंगे, लेकिन अपने फेवरेट फिल्म स्टार के बारे में हम सब जानते हैं। अब आप ही सोचिए, जिन्होंने हमें चांद तक पहुंचा दिया, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें तो वो फिल्में पसंद आती हैं, माफ कीजिएगा, जिनमें गालियां होती है, शो ऑफ होते हैं, अनर्गल बातें होती हैं, जिसकी कहानी हमारे जिंदगी में कभी काम नहीं आएगी। ऐसी ही फिल्में हाउसफुल होती हैं। इसी के किरदार हमारे रियल हीरो होते हैं। आपने मिशन मंगल या रॉकेट्री मूवी देखी है? रॉकेट्री मूवी हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट के बलिदान की कहानी है, जो शायद ही हाउसफुल रही होगी। तो अब सोचना आपको है कि आप अपने लाइफ में जिसे अपना रियल हीरो चुन रहे हैं, वो दोस्तों सही है भी या गलत है? जो गलती हम सबसे हुई है, वो हमारे बच्चों से नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों को आज से ही रियल हीरोज के बारे में सिर्फ किताबों में मत पढ़ाइए, बल्कि उन्हें उनके हीरोज से मिलाइए भी। उनके एक्सपीरियंस, उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में उनको अच्छे से बताइए। दोस्तों, हम सबको अपना रियल हीरो
सिर्फ फिल्मों में ही नहीं मिलता है। जनाब, आंखें खोल के तो देखिए, शायद आपके माँ पापा ही आपके रियल हीरो हों, या फिर आपका फेवरेट टीचर। कभी आपने अपने किसी टीचर को बोला है कि मैं आप सा बनना चाहता हूँ? अगर बोला है ना, तो वही है आपका रियल हीरो, सच बता रही हूँ। तो दोस्तों, इस माया जाल से निकल जाइए, जिससे आप अपनी लाइफ में इंस्पायर हो रहे हो, जो आपकी गलतियों को माफ करके भी आपको कुछ सिखा रहा हो, जो आपको हमेशा हौसला दे रहा हो, जो आपके लिए, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हर वक्त खड़ा हो, वही है आपका रियल हीरो। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखिए कि रियल हीरो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं होते, बस आपको नजरिया बदलने की जरूरत है। नजर तो अपने आप बदल जाएगी। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। तो सुनते रहिए मेरा पॉडकास्ट दिल है छोटा सा। मेरे YouTube पॉडकास्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।